गाइस, अगर आप भी अपने पेटीएम की केवाईसी कराना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, अगर आप अपने पेटीएम की केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपके नंबर पर केवाईसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वही ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी केवाईसी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो गाइज, उसके लिए आप वीडियो को गौर से देखते रहिए। सबसे पहले गाइज, अपने पेटीएम की अपने नंबर की जानकारी के लिए आपको जाना है थ्री लाइन में, जो ऊपर आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिख रही है। थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद गाइज आपको नीचे 24/7 हेल्प वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आपको चले जाना है। जैसे ही आप 24/7 हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बहुत से ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे की तरफ आपको चले जाना है। यहाँ सबसे नीचे आने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत से नंबर दिखाई दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं और मैसेज वाले नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, जो सबसे पहले वाला नंबर है बैंक वॉलेट एंड पेमेंट्स, तो इस पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे आपको एक कॉल लगाना है। तो अब देखिए आप क्या होता है। वेलकम टू पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक मध्ये आपले स्वागत आहे। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। पासवर्ड और पिन से संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं। केवाईसी से जुड़े सवाल और परेशानी के लिए 2 दबाएं। प्रिय ग्राहक, जिस नंबर से आप कॉल कर रही हैं, उस नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए 1 दबाएं। या प्रिय ग्राहक, अभी के लिए हम नई केवाईसी रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। केवाईसी रिक्वेस्ट शुरू होते ही आपको सूचित किया जाएगा। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए हैश दबाएं। तो गाइस आपने सुन लिया, यहाँ पे आपका जो भी नंबर है आप यहाँ पे पेटीएम में कॉल कर सकते हैं। अगर आपके नंबर से पेटीएम कस्टमर केयर में कॉल हो जाती है तो समझो आपकी केवाईसी कंफर्म है, हो जाएगी आपके नंबर पे। अगर आपके नंबर से कॉल इस तरह नहीं लगती है तो समझो आपकी केवाईसी नहीं हो पाएगी। ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है, नॉन केवाईसी अकाउंट है, मैंने इसलिए इससे कॉल करके आपको दिखाया था ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।